जिस तरीके से तुर्की और पाकिस्तान इजराइल से भिड़ने को बेताब हैं, ऐसा लगता है ये तो वही बात हो गई कि हाथी घोड़ा डूब गए और गधा पूछत कितो पानी। अब इजराइल को काबू में करने में यूएनएससी भी हो गया फेल। तो वहीं आखिर अमेरिका ने क्यों अपने F-18 विमानों को तैनात कर दिया और इजराइल ने सबसे बड़ा वार किया हमास के सुरंग पे, जो कि रीढ़ की हड्डी थी हमास की। अभी बहुत कुछ चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, अब इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा लग रहा है कि संघर्ष विराम की कोशिश बेकार जाएगी। इजराइल और हमास के बीच अब एक पूर्ण युद्ध होगा। इजराइल ने कहा है कि वह गाजा की सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहा है और उसने हमास शासित क्षेत्र में जमीनी आक्रमण के लिए 9,000 सैनिकों को तैयार रहने के लिए भी कह दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाला समय युद्ध के लिए ही है। और इसकी पुष्टि इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हिदाई जिल्बरमैन ने करी है। उन्होंने कहा है कि अब जमीनी हमले के लिए गाजा सीमा पर सेना इकट्ठी हो रही है, टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपों को तैयार किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, इस बीच रूस और इजिप्ट संघर्ष विराम के कोशिश के लिए इजराइल पहुंचे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे संघर्ष विराम होने वाली है नहीं, क्योंकि इजराइल में चौथी रात में लड़ाई और भी तेज हो गई है। वैसे तो लॉर्ड शहर में झड़पें भी हो रही है, जिसको इजराइल अंदरूनी तौर पर हैंडल कर रहा है, पर इस बीच लेबनान ने भी उकसा दिया है। लेबनान ने देर रात रॉकेट दागे, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर भी एक तीसरा पक्ष खुलने का खतरा पैदा हो गया है। वैसे मिस्र, कतर और यूएन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संघर्ष विराम हो जाए, लेकिन अब हमास भी हर प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। दरअसल ये प्रस्ताव दिया गया था कि बातचीत करने के लिए और पूर्ण संघर्ष विराम करने के लिए 3 घंटे दोनों लड़ाई बंद करें, लेकिन हमास ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि वे हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। वैसे तो गाजा उग्रवादियों ने इजराइल में करीब 2,000 रॉकेट दागे हैं, जिससे देश के दक्षिण क्षेत्र में जनजीवन बिल्कुल ठप बैठ गया है। यहाँ तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे गए हैं। पर इन सब के बीच अब इजराइल ने उस सुरंग को ही तोड़ दिया है जो हमास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। दरअसल गाजा से लेकर इजराइल के कई क्षेत्रों तक हमास ने अपने सुरंग बना लिए थे, जो कहीं न कहीं इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। यही वजह है कि इजराइल ने सबसे पहले इस सुरंग को ही नष्ट किया है। ये सुरंग नष्ट होने से आधा से ज्यादा मनोबल तो हमास उग्रवादियों का वैसे ही टूट गया है, पर अब इनमें और भी ज्यादा तड़का लग गया है आगे चलकर। देखो, ये मामला यूएनएससी में उठाने के लिए चीन भी बहुत कोशिश कर रहा है और कई और देश, खास करके अरब देशों के समूह भी जोरदार कोशिश कर रहे हैं। वैसे उम्मीद ये की जा रही थी कि ईद आने पर शायद हमास के उग्रवादी ये हमले रोक देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखो, हमारे यहाँ तो कोई कार्रवाई करने से विपक्ष तुरंत सबूत मांगने लगता, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में इस वक्त सिर्फ कार्यकारी प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, चुनाव में लगभग हार चुके हैं, पर अब वो बिल्कुल पावरफुल बनकर उभरे हैं और उनके निर्णय को इजराइल सहर्ष स्वीकार कर रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम हवास पर कार्रवाई जारी रखेंगे और अभी ये हमले रुकने वाले नहीं है। अब तुर्की हो, पाकिस्तान हो या अरब देश हो, ये सोच रहे थे कि यूएनएससी की काउंसिल तुर्की को, इजराइल को फटकार लगाएगी। इसके लिए तुर्की तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समर्थन भी मांग रहा था और अरब लीग के देश चीन को मना रहे थे। ये सोच रहे थे कि यूएनएससी की मीटिंग में इजराइल को मजा चखाएंगे, लेकिन इन सभी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि फिलिस्तीन मामला को तो आप भूल ही जाओ। खुद इजराइल के आगे यूएनएससी ने अब घुटने टेक दिए हैं। अब देखो, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई यूएनएससी की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन मामले को लेकर,
लेकिन इस मामले में मीटिंग होने से और कोई स्टेटमेंट जारी होने से अकेले अमेरिका ने ही रोक लगा दी। वैसे 14 देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये चाहते थे कि इजराइल के लिए और फिलिस्तीन के लिए एक कड़ा संदेश जारी किया जाए, लेकिन अमेरिका ने इसे बंद कर दिया। अब इसका अंदाजा आप लगाइए कि अकेले अमेरिका ने रोक लगा कर ये साबित कर दिया कि वह इजराइल के साथ में खड़ा है। वैसे फिर कोशिश करी चीन ने भी एक पब्लिक मीटिंग बुलाने की कोशिश करी, लेकिन इसे भी अमेरिका ने रोक दिया। अमेरिका ने ये कहा कि अभी यह हालात नहीं है कि यूएनएससी की तरफ से कोई बयान जारी किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि शांति स्थापित हो जाएगी बल्कि मामला और बिगड़ेगा ही। अमेरिका चाहता था कि मंगलवार को मीटिंग हो, लेकिन बाकी देशों के दबाव की वजह से रविवार को मीटिंग रखी गई है। लेकिन अब इसमें बयान जारी करने देगा अमेरिका या नहीं, ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। पर अमेरिका यही नहीं रुका है। अब अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए क्या अपने F-18 विमानों को तैनात कर दिया है? देखो, अमेरिका ने अपने F-18 विमानों को तैनात कर दिया है अपने सऊदी अरब के बेस। अब यहाँ पर F-18 विमानों को तैनात करने का क्या मतलब है? क्या सऊदी अरब को अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि इस मामले से दूर रहो, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई बढ़ रही है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब इसमें ईरान कूद सकता है और यह लड़ाई इजराइल और ईरान की बन जाएगी। ऐसे में बाहरी दुनिया से इजराइल को बचाने के लिए और इजराइल को रक्षा देने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने F-18 विमानों की तैनाती कर दी है। अगर ये लड़ाई बड़ा रूप लेती है तो अमेरिका पूर्ण रूप से इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा। अब इजराइल के इस फैसले से जहां अरब देशों के होश उड़े हुए हैं, तो वहीं अमेरिका भी तैयार बैठा है। पर अब इन सब में रूस ने भी सीरिया में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती और सैनिकों को बढ़ाने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया एक बार फिर से दहकने को तैयार है। क्या एक नए युद्ध की शुरुआत हो रही है? वैसे इन सब में अरब देश पीछे चले गए हैं, उन्हें अब बस अपने स्टेटमेंट से मतलब है, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ रहा है। अजरबैजान अर्मेनिया मामले में तो तुर्की पाकिस्तान फट से अजरबैजान के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन इस मामले में इजराइल ने पूरी लड़ाई को वन साइडेड कर दिया है। ऐसे में कोई भी अरब देश इसमें पंगे नहीं लेना चाहता है, और जिस तरीके से अमेरिका की खुली छूट है उससे ये बिल्कुल जाहिर हो जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को पूरा छूट दे रहा है हमास को इस बार क्लियर कर देने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस जगह कोई अरब देश इजराइल से भिड़ने की कोशिश करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।